ऐसे टू सिक्सटी फाइव डील विद द कम्युनिकेटिंग डेफिशेंसी इन इंटरनल कंट्रोल टू टी सी डब्ल्यू जी एंड मैनेजमेंट ये स्टैंडर्ड ऑडिटर को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि ऑडिटर को ऑडिट के दौरान अगर कंट्रोल में कोई डेफिशेंसी मिलती है कमियां मिलती है डेविएशन मिलता है कंट्रोल में इंटरनल कंट्रोल्स तो ऑडिटर उन डेफिशेंसी को कम्युनिकेट करेगा अगर वो डेफिशेंसी सिग्निफिकेंट है बहुत बड़ी डेफिशेंसी है तो TCWG जी को कम्युनिकेट करेगा साथ में मैनेजमेंट को भी और अगर छोटी मोटी डेफिशिएंसी या अदर डेफिशिएंसी नॉट ए सिग्निफिकेंट तो ओनली कम्युनिकेट टू द मैनेजमेंट तो ध्यान रखना सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी होगी तो TCWG जी के साथ मैनेजमेंट को भी कम्युनिकेट करेगा और अगर अदर डेफिशिएंसी होगी तो ऑडिटर सेल कम्युनिकेट ओनली टू द मैनेजमेंट बट इफ मैनेजमेंट ऑलरेडी बिकम अवेयर अबाउट द सच डेफिशिएंसी अगर मैनेजमेंट को पहले से पता है उस अदर डेफिशियंसी के बारे में तो ऑडिटर नीड नॉट रिक्वायर टू कम्युनिकेट टू द मैनेजमेंट अबाउट द सच अदर डेफिशिय तो सबसे पहले अपने को सीखना है व्हाट इज द डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल ये पहला क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि डेफिशिएंसी को डिफाइन करिए कंट्रोल की तो डेफिशिएंसी इन द इंटरनल कंट्रोल में सिंपल वे में इसकी डेफिनेशन यह है कि पहले दो केस में डेफिशिएंसी माना जाएगा पहला केस है कि एंटिटी में कंट्रोल तो लगे हैं बट वो अनेबल है टू प्रिवेंट डिटेक और करे मटेरियल मिस स्टेटमेंट ऑन टाइमली बेसिस कंट्रोल लगने के बाद भी अगर कंट्रोल प्रिवेंट करने में डिटेक करने में अनेबल हो रहे हैं तो उसको बोलते हैं डेफिशेंसी इन इंटरनल कंट्रोल या फिर नेसेसरी कंट्रोल जो होने लगने चाहिए थे एंटिटी में आर मिसिंग अपसेंट मतलब मैनेजमेंट ने वो कंट्रोल डिजाइन ही नहीं किए जो कंट्रोल लगने लगाने जरूरी थे तो इसे भी डेफिशिएंसी माना जाएगा तो दिस डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल मींस, ए कंट्रोल इज डिजाइन इंप्लीमेंट और ऑपरेटेड इन सच ए वे दैट इज अनेबल टू प्रीवेंट डीटेक स्टेटमेंट ऑन टाइमली बेसिस कंट्रोल तो लगे हैं लेकिन वो अनेबल है प्रिवेंट डिटेक करेक्ट करने में मटेरियल मिस स्टेटमेंट को ऑन टाइमली बेसिस और सेकेंड डेफिनेशन कंट्रोल जो नेसेसरी थे जरूरी थे टू प्रिवेंट डी और करेक्ट द स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन टाइमली बेसिस तो कंट्रोल जो होने चाहिए थे वो अपसेंट है एंटिटी में डिजाइन नहीं हुए हैं यानी कि कभी भी कंपनी में रिस्क जो है वो कंट्रोल नहीं होने की वजह से कभी भी मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो सकता है फ्यूचर में डेट से कॉल्ड द

तो उसे सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी बोलेंगे इंडिकेटर कौन कौन से इंडिकेटर है सिग्निफिकेंट आपको मैंने क्लास में बताया था इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पांच कंपोनेंट से मिलकर डिजाइन इंप्लीमेंट और मेंटेन होता है सबसे पहले एंटिटी रिस्क असेसमेंट करती है उसके बाद उस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए एंटिटी कंट्रोल डिजाइन करती है जिसको अपन बोलते हैं कंट्रोल एक्टिविटी थर्ड इज अ मैनेजमेंट एक अच्छा कंट्रोल इन्वायरमेंट क्रिएट करती है जिससे कंपनी में हमेशा स्मूथली ऑपरेशन चलते रहे बिना इंटरेप्शन के स्मूथली काम होते रहे ऑनेस्ट कल्चर ऑफ ऑनेस्टी एंड एथिकल बिहेवियर हमारे वर्किंग एनवायरमेंट में ऑनेस्टी का कल्चर हो और एथिकल बिहेवियर का कल्चर मेंटेन रहे डेट्स ए कॉल्ड कंट्रोल इन्वायरमेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब अकाउंटिंग सिस्टम जो कंपनी का सॉफ्टवेयर है जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो रिलायबल होना चाहिए एंड लास्ट इज द मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल ये पांच चीजों से मिलकर एक कंट्रोल डिजाइन और इंप्लीमेंट होता है अगर इन पांचों में कुछ ना कुछ वीकनेस है तो उसे मानेंगे डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल इंडिकेटर एग्जांपल कंपनी हैव नो रिस्क असेसमेंट प्रोसेस कंपनी रिस्क ही असेस नहीं कर रही आप खुद सोचिए जब मैनेजमेंट रिस्क असेस नहीं करेगी तो उसे कहाँ कैसे पता चलेगा कि हमें कौन से किस एरिया में क्या कंट्रोल लगाने हैं तो देर इज नीर नो रिस्क या फिर नो इफेक्टिव रिस्क असेसमेंट प्रोसेस मैनेजमेंट रिफेक्टिव वे में रिस्क को असेस नहीं कर रही है No risk response, management risk assessment तो कर रही है लेकिन उस रिस्क को minimize करने के लिए मैनेजमेंट कंट्रोल डिजाइन नहीं कर रही है नो इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू रिस्क को रिस्पॉन्स नहीं दे रही है control design नहीं कर रही है या फिर इन इफेक्टिव कंट्रोल इनवायरमेंट कंपनी के हाँ, control environment में बहुत ज्यादा वीकनेस है इन इफेक्टिव है दी इन इंटरनल कंट्रोल फोर्थ वन अकाउंटिंग सिस्टम कंपनी का जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है फेल टू प्रीवेंट डिटेक और करें यानी कंपनी का जो अकाउंटिंग सिस्टम मतलब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो पीडीसी नहीं कर पा रहा है जबकि ऑडिटर अपनी ऑडिट प्रोसीजर से गलतियों को डिटेक कर रहा है ऑडिटर अपनी ऑडिट प्रोसीजर लगाकर मिस स्टेटमेंट को प्री डिटेक कर रहा है तो इसका मतलब कंट्री एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल में वीकनेस है क्योंकि वो मिस स्टेटमेंट को डिटेक नहीं कर पाया ऐसे मिस स्टेटमेंट जो ऑडिटर की प्रोसीजर से डिटेक हो पाए एंड प्रायर एक अदर आइटम है प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट मतलब लास्ट ईयर की गलतियां इस साल प्रीवेंट डिटेक हो रही है यानी लास्ट ईयर एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल फेल हो गया प्रीवेंट डिटेक और करेक्ट करने में मटेरियल मिस स्टेटमेंट को तो आपको कैसे इसी से पूरे पॉइंट बनने हैं बनाने हैं पहला नो अब ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसेस एंटिटी में रिस्क असेसमेंट नहीं हो रहा है एविडेंस ऑफ इन इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू आइडेंटिफाई सिग्नल कंपनी ना रिस्क को अप्रोप्रिएटली रिस्पांस नहीं दे रही है थर्ड एविडेंस ऑफ इन इफेक्टिव एस्पेक्ट ऑफ कंट्रोल कंपनी के कंट्रोल इन्वायरमेंट इन इफेक्टिव है सच एस एग्जाम्पल ऐसे ट्रांजेक्शन जिसमें मैनेजमेंट का इंटरेस्ट है डायरेक्टर लोग का इंटरेस्ट है उन ट्रांजेक्शन को अप्रोप्रिएटली स्क्रूटनाइज नहीं किया जा रहा है रिव्यू नहीं किया जा रहा है बिना रिव्यू किए उसको एग्जामिन कर दिया जा रहा है फोर्थ वन इज द द डिटेक्टेड बाय ऑडिटर प्रोसीजर दैट वी आर नॉट प्रिवेंटेड डिटेक्टेड एंड करेक्टेड बाय द एंटिटी इंटरनल ऑडिटर गलतियों को डिटेक्ट कर रहा है जो कि एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल फेल हो गया प्रिवेंट डिटेक्ट और करेक्ट करने में तो यह माना जाएगा कि कंट्रोल में आपके यहाँ वीकनेस है एंड नेक्स्ट वन इज द डिस्कलोजर ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ड्यू टू द फ्रॉड और एरर एज ए प्रायर पीरियड आइटम यानी कि लास्ट ईयर की एरर और गलतियों को इस साल मैनेजमेंट डिस्क्लोज कर रही है इसका मतलब लास्ट ईयर आपका कंट्रोल फेल हो गया प्रीवेंट डेटेक और करेक्ट करने में मटेरियल तो ये पांच एग्जाम्पल सफिसेंट है विद रिस्पेक्ट टू इंडिकेटर ऑफ द डेफिशेंसी इन इंटरनल कंट्रोल अब नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल यहाँ आएगा एग्जाम्पल आपको बताने होंगे कि ऑडिटर जब ये डिसाइड करेगा कि डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट है कि नहीं एग्जाम्पल तो बताइए कि ऑडिटर क्या क्या मैटर कंसिडर करेगा ये डिटरमाइन करने के लिए कि वो डेफिशेंसी जो है कंट्रोल में वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है तो इसका एक न्यूमेनिक बिना न्यूमेनिक के ये पॉइंट आपको लर्न नहीं हो पाएगा इसका एक न्यूमेनिक है वेरी अमेजिंग फ्लॉस वेरी अमेजिंग फ्लॉस एंड पब्लिक फोरम वेरी अमेजिंग फ्लॉस एंड पब्लिक फोरम तो कहां कंट्रोल में वीकनेस मिली है उन वीकनेस को ऑडिटर मान लेगा कि वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी तो पहला वी का मतलब है फिफ्थ नंबर पॉइंट वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी ट्रांजेक्शन बीन अगर किसी अकाउंट में बहुत बार ट्रांजेक्शन हो रहे हैं बहुत बार और उस अकाउंट में गलतियां मिल रही लाइक डेटर के अकाउंट में सौ हंड्रेड बार ट्रांजेक्शन हो रहे हैं और उस डेटर अकाउंट में गलतियां मिल रही है तो इस केस में उस उस डेफिशेंसी को उस कर, उस एरिया में जो कंट्रोल में डेफिसेंसी मिली उसे सिग्निफिकेंट डेफिशेंसी माना जाए तो वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी या वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन हैज ऑकर इन द अकाउंट बैलेंस उस अकाउंट बैलेंस में कितने बार ट्रांजेक्शन हो रहे हैं अगर किसी अकाउंट में एक ही बार ट्रांजेक्शन हो रहा है उस एरिया में कंट्रोल वीक है तो इट इज नॉट ए सिग्निफिकेंट बट किसी अकाउंट बैलेंस में बार बार फ्रिक्वेंटली ट्रांजेक्शन ऑकर हो रहा है वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है और वहां पर कंट्रोल अगर वीक है तो उसे सिग्निफिकेंट डेफिशेंसी माना जाएगा तो फर्स्ट इज द याद रखेगा वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन सेकेंड वन इज द अमाउंट कितना involved है उस एरिया है उससे जिस में कितना amount? अगर बहुत हाई अमाउंट इन्वॉल्व है तो डेफिशंसी को सिग्निफिकेंट माना जाएगा वी हो गया ए हो गया अब आते हैं एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सेप्शन एक्सेप्शन मतलब एरर यानी कि बार, कितनी बार एरर अगर किसी एरिया में बार बार एरर मिल रहे हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सेप्शन है तो इस केस में बार बार कंट्रोल तोड़ा जा रहा है ब्रिश हो रहा है तो इस केस में उस डेफिशिएंसी को सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी माना जाएगा नेक्स्ट वन इज लाइकलीहुड ऑफ डेफिशिएंसी एल का मतलब है लाइकलीहुड ऑफ डेफिशिएंसी लीडिंग टू मटेरियल मिस स्टेटमेंट इन द फ्यूचर यानी कि अगर आज वो डेफिशेंसी रही तो फ्यूचर में बहुत बड़ा मटेरियल मिस स्टेटमेंट होने की संभावना बहुत ज़्यादा है तो उस डेफिशेंसी को आज हम सिग्निफिकेंट मानेंगे नेक्स्ट वन इज द इंट्रैक्शन ऑफ डेफिशेंसी विथ अदर अगर मुझे किसी एक एरिया में कंट्रोल किसी आइटम में एक एरिया में कंट्रोल वीक मिले और और अदर एरिया में भी कंट्रोल वीक मिले दोनों एरिया के कंट्रोल को अगर मैं कंबाइन कर लिया तो डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट हो सकती है तो इसीलिए बोल रहा है इंट्रैक्शन ऑफ डेफिशिएंसी विथ अदर डेफिशिएंसी ओ का मतलब अदर डेफिशिएंसी नेक्स्ट वन इज द कितने चांसेस है उस डेफिशिएंसी से लॉस और फ्रॉड होने के इन द रिलेटेड एसेट लाइबिलिटी में अगर चांसेस ज्यादा है तो उस डेफिशिएंसी को सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी माना जाएगा एस का मतलब है बेटा ऑफ लॉस और फ्रॉड और लास्ट इज द एस का मतलब है सब्जेक्टिविटी एंड द कॉम्प्लेक्स अगर किसी अकाउंट एस्ट में एस्टिमेट बनाने में किसी किसी अकाउंट बैलेंस में एस्टिमेट लाइक प्रोविजन बनाने में अगर बहुत ज़्यादा जजमेंट इन्वॉल्व है बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है सब्जेक्टिविटी का मतलब होता है जजमेंट इन्वॉल्व और वो कॉम्प्लेक्स नेचर का है और उस एरिया में अगर कंट्रोल वीक है तो उस डेफिशेंसी को सिग्निफिकेंट डेफिशेंसी माना जाएगा और उसके बाद बेटा नेक्स्ट है इस एरिया में अगर इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोल अगर इन सब एरिया में कंट्रोल अगर इम्पोर्टेंट कंट्रोल नहीं है तो इस केस में उस डेफिशिएंसी को सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी माना जाएगा उसका न्यूनिक है पब्लिक फोरम पी का मतलब है कंट्रोल ओवर द पीरियड एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस कंट्रोल पीरियड एंड मतलब 31 मार्च में कंपनियों को बहुत सारी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए और उस एडजस्टमेंट एंट्री में अगर कोई कंट्रोल वीक है तो इस केस में उस डेफिशिएंसी को अपन सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी मानेंगे इसलिए इसका नाम है कंट्रोल ओवर पीरियड एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस एफ का मतलब है कंट्रोल ओवर प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड फ्रॉड को रोकने के लिए अगर कंट्रोल नहीं लगाए गए हैं तो उस डेफिशिएंसी को सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी माना जाएगा नेक्स्ट वन इज द कि कंट्रोल ओवर ओ का मतलब है कंट्रोल ओवर सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन आउटसाइड द एंटिटी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस अगर कंपनी के यहाँ आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं और वहाँ पर कंट्रोल नहीं लगे हैं तो उसे सिग्निफिकेंट डेफिशेंसी माना जाएगा नेक्स्ट वन इज द अकाउंटिंग पॉलिसी को सेलेक्ट और अप्लाई करने में अगर कंट्रोल नहीं लगे हैं तो उसे सिग्निफिकेंट डेफिशेंसी माना जाएगा एंड लास्ट वन इज द रिलेटेड पार्टी के ट्रांजेक्शन के बारे में अगर कोई कंट्रोल नहीं लगे हैं तो सिग्निफिकेंट और लास्ट वर्ड ऐप का मतलब जनरल मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल कंपनी के यहाँ कंट्रोल की मॉनिटरिंग नहीं हो रही है तो इस केस में उसे सिग्निफिकेंट डेफिशेंसी माना जाए ऑडिटर को ऑडिट के दौरान अगर डेफिशिएंसी मिलती है तो ऑडिटर डिटरमाइन करेगा कि वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है कि नहीं और अगर है तो ऑडिटर टीसीडब्ल्यूजी को टाइमली बेसिस पर कम्युनिकेट करेगा अगर वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है कम्युनिकेट कैसे करेगा एक रिटर्न लेटर में ऑडिटर हेडिंग डालेगा लेटर ऑफ वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल उसमें डिस्क्राइब करेगा डेफिशिएंसी इन द इंटरनल कंट्रोल और एक्सप्लेन करेगा पोटेंशियल उसका फ्यूचर में क्या इफेक्ट पड़ सकता है उस कंट्रोल की वीकनेस का सेकेंड वो इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन देगा टू इनेबल द दो चार्ज विद गवर्नेंस टू अंडरस्टैंड द कंटेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन तो यानी कि वो इतना डिटेल में लिख कर देगा जिससे कि जो टी सी डब्ल्यू जी है वो अंडरस्टैंड कर सके कंटेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन और साथ में वो सजेशन देगा फॉर रेमेडियल एक्शन कंपनी को क्या रेमेडी लेनी चाहिए